शदीद किस्म का जो पानी है, देख सकते हैं आप उसकी स्पीड। मैं यहाँ जाकर दिखाता हूँ आपको कि अभी पानी बढ़ रहा है, अलर्ट जारी है, और यहाँ पे सामने सारे लोगों के घर हैं। पानी की स्पीड आप देख सकते हैं, पानी तेज और कर रहा है। हाँ, ये देखें तो सामने लोगों के घर हैं। राणा साहब जरा आप आए, क्या कल रात को क्या हुआ है, डीसी साहब ने क्या बात की है? ये हमारे यहाँ तक डीसी साहब ने अभी कुछ नहीं किया, जिला इंतजामिया की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। ठीक है, उन्होंने जो कच्चे का इलाका है कृषि का, उन्होंने कहा कि कई लोगों को जल्द से जल्द महफूज मकाम की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो सैलाबी रेला आ रहा है ये 2010 से बड़ा सैलाब है। सही है, तो लोगों को पहले इतला दी जा रही है ताकि बाद में अल्लाह ना करे किसी भी नुकसान से फिलफोर जो है ना बचा जा सकता है। ठीक है, फौरी कार्रवाई करके। ठीक है, तो लिहाजा तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है, अपील है कि वो जल्द अज जल्द ये इलाका खाली करके महफूज मकाम की तरफ पहुंच जाए। ठीक है। अच्छा राणा साहब, ये बताए वो जो रात को जो 350 फुट का आप बताते शगाफ हुआ है, वो पानी कब तक पहुंचेगा यहाँ पे? सदा के अंदर रात जो डैम के अंदर शगाफ पड़ा है वो 300 फुट का उसके अंदर शगाफ पड़ा है। सही है, तो डीसीओ साहब की जानिब से ये बताया गया कि ये शगाफ का रात की तारीकी की वजह से तकमीना नहीं लगाया जा सका कि अंदर कितना नुकसान है। सही है, लेकिन पानी का जो बहाव है 2,61,000 के उसे उसके अंदर गुंजाइश थी, लेकिन वहाँ से 4,13,000 के उसे करेला इस वक्त गुजर रहा है, जो कि अगले 24 घंटों के अंदर आके वो लिया शहर को हिट करेगा। देखा बखर मियाँ वाली ये सारे जितने भी देहात के इलाके हैं इन सबको शदीद खतरा लाग है। ठीक है, चलें, थैंक यू राणा साहब, बहुत शुक्रिया आपने इन्फॉर्मेशन दी है। ये एक शॉप वाला है और एक आगे वहाँ पे घर है, ये देखें सारे सारे पानी में डूब रहे हैं। तो अभी आपको आगे की सिचुएशन दिखाते हैं।